लुक देखो कितनी जबरदस्त है कड़ी दी, माशाल्लाह। ये कितनी चलाक है ये तोती, मैं आपको क्या बताऊं व्यूअर्स, ये देखें इसने सारी रस्सियां काट दी। नहीं ये तो रस्सी भी इन्हें काट दी थी। हाँ चलाको मासी ने, ए दाना खाया करो, हाँ पानी पिया करो। मासी ने यही रस्सियां काट दी भैया, पिंजरा डिग जाएगा ना, लोग कितना होता ना तो टिंड भज जाने से ताड़ी दोनों दी। मिठू इन्हें समझा जरा मिठी नू की गल है, रस्सियां क्यों कट दी पीए, अंदर चली गई हूँ चलाको। मैं आ गई किचन च, इतने नाश्ता मेरा रेडी हो गया है। स्लाइस देखो कितने जबरदस्त रोस्ट होए ने, चाय पकती पई है, गप्पा च निकाल। एक अदद आमलेट बनाया है, नमक वाला ते काली मिर्च का छिड़काव करने, कप रखे चाय पौनी, तो यह नान है दो हाफ हाफ, यह फातमा खा के गई तो दसे देखो जरा इन्हों के कम, तो इन्होंने भी गर्म करने तो चाय नल खावे। तो स्लाइस में ट्रे च निकालते ने, तो हूँ और इन्हें नान गरम है, ये जो काली मिर्च पिसी हुई तो ये छिड़काव कर लें एक चुटकी। काली मिर्च मैं ऊपर छिड़क दी है, बड़ा ही मज़ेदार लगता आमलेट काली मिर्च वाला। नान भी गरम हो गए हैं, पौनी गोल हैगी है, तो चाय यदि मैं करी पास चो बाहर गिर दी है, अगर नीचे होंगी ना चुंज वाली पौनी तो कभी नहीं गिरनी सी, अज चाय गिर गई नहीं तो मैं प्याज ना डालनी हाँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम अलैकुम वीरन वीनियो, तुम ठीक ठाक हो गए तो अलहमदुल्ला मैं भी ठीक हाँ, अल्लाह का शुक्र है। तो रब सोना तुहानू मैनू अपने ईमान च रखे तो बीमारियों तो महफूज रखे, आमीन। तो अज असी की बना रहे तो इन्ना शेयर करने, तो यह हांडी बड़ा टाइम लेंदी जी पकन, तो फिर ए फिर हूँ मसाला बनाने, तो इनू फिर जल्दी जल्दी असी पकाने ताकि टाइम नाल पक जाए, अगर शाम को पकाई तो रात हो जानी है बड़ी, ऐसे लिए इनू सुबह सुबह मंगवाता टाइम नाल ही, ताकि जल्दी बना के असी खाना अपना फारिग हो जाइए, तो दोपहर के खाने असं इनू खावे। फिर तो की बना रहे हैं तुहानू हूँ मैं दसनी हाँ, अज असी बना रहे हैं कढ़ी पकौड़ा नाल चावल, सफेद उबाइल किए हुए चावल। तो समान आ गया है, तो हम तुम फिर दिखा जी समान, तो सरफ घ्यो तो मसाले है जो बाकी खत्म होए सी, जीरा सुक्का धनिया इलायची दालचीनी, तो यह चावल ने तो बेसन दही फ्रिज च पिया होया, तो प्याज है, प्याज है सी फिर होर मंगवा लेते, लसन अदरक ते धनिया, अदरक नहीं है बस सब्ज़ मिर्चा लसन ते धनिया। चलो फिर जाके रेडी करने हूँ अपनी कढ़ी। ए वजे दही, अद्धा किलो दही मंगवाया सी, ते अद्धा किलो ही बेसन, ते तुसी पालक ते लेके नहीं आए, अच्छा पालक भी नहीं आई ते आलू भी नहीं आए, ते उस समान असी बाद तो रेडी करांगे, कढ़ी नूं ते असी पकाइए ना जाके। चलो आ जाओ फिर किचन च मेरे नाल तुसी भी। बुरात ला हल्दी है, तो बेसन है, बेसन छान लें अच्छी तरह, सारा बेसन छान लिता है तो डिवाइड कर लें। ज़्यादा बेसन जरा ये पकौड़े पकौड़िया बेसन को लाँगे, तो जरा एला बेसन है इनू असी दही शामिल करांगे, लस्सी जी होंगी है वो जग तो मदानी मैं लीती है, तो ये दही शामिल करने, जरा बाजारों दही मंगाया वो मैं जग च डालता, तो पहले का पिया अजे बड़ा खट्टा दही है जो एवी शामिल कर देने, बड़ी जरा खट्टी अच्छी लगती है। हूँ अच्छी बेसन शामिल कर देने, जिस अलग किया बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम,
थोड़ा जहा हाफ डाले हाफ रेट डालनी है इन्हें अच्छी तरह फेंट लेंगे। दही ते बेसन नू असी मिक्स करके लस्सी दी रेडी कर लेती हैं। हुण असी अपना मसाला रेडी कर लेने हैं। ऐ मैं दो प्याज और लेते अन्ना प्याज डालेंगे। आज मैं बनावांगी फर्स्ट टाइम तड़के वाली कढ़ी। इनू डबल तड़का लगेगा। एक बारी पहले तड़का भुन के ते लस्सी डाल के कढ़ी पकावांगे। उस तो बाद दोबारा फिर जीरे दा लास्ट ते मिर्चां दा इनू फिर तड़का लावांगे। चलो फिर मसाला रेडी करने हैं अंदर सुकून नाल बैठ के। बच्चे स्कूल चले गए सी ते उस तो बाद मैं क्या अज कढ़ी लियाओ ते कढ़ी पकावांगे सी टाइमो टाइम। फातमा दे स्कूल अज टैबलो सी ते मुदस्सिर दे स्कूल सी अज महफिल मिलाद। तो वाइट सूट नाल वेस्टकोट पहन के गया जे तिले वाली बनारसी जिहड़ियां बड़ियां ही प्यारियां होंदियां वेस्टकोटा वह पहन के गया जे। तो फातमा वाइट फ्रॉक वाइट ड्रेस पहन के गई। तो बच्चे अज मैं कह रही बड़े खुश सी जिस दिन पढ़ाई नहीं होनी होंगी कुछ होर फंक्शन होना होंगे मैं कह रही हाँ उस दिन उन्होंने आप अख खुलती है। तो जिस दिन पढ़न लिए जाना है ना मैं कह रही उस दिन वाजा मार मार के इन्हों थक जाओ। तो मैं क्या सी कि तुहानू लुक दिखानी हाँ फातमा की। फातमा लाइट लाइट तैयार होकर गई तो मुदस्सिर दी तो बस फोन चार्ज नहीं सी तो फिर मैं वीडियो ही नहीं बनाई। चलो हम मिलते हैं मसाला बनाने तो बाद। ए वेखो कैसे संबाथ लै रहे ने कबूतर लेटियां मार मार के। देखो सदके जाइए इन्हां दे साढ़े को सूरज दे हये भी सामने नहीं आया जाता गर्मी लगती। तो यह देखो इंजॉय कर रहे धुप न कि इन्हों धुप नहीं लगती। ये भी मत वजी सी फ्रिज च टमाटर पे सी ते मैं समझी आए ही नहीं टमाटर लैन गए हुए ने है जी। टमाटर चार अदर तो दरमियाने साइज के मैं कटिंग करते मसाला साडा प्याज लसन भुज गया उन्हें इन्हों भुनने तो नमक मिर्च मसाले सुटने तो इन्हों फिर सरफाने एक वड्डा चम्मच नमक सुट दिता प्याले च मैं एक चम्मच काली मिर्च एक चम्मच हल्दी एक चम्मच सुखा धनिया दालचीनी ते इलायची सुट दिया नमक मिर्च मसाले में नाली पानी तो मसाला भुनने अच्छी तरह ढक्कन दे के पहले गलाने तो फिर भुनने मसाला भुज गया रेडी हो गया तो उन्हें असी लस्सी डाल देने बिस्मिल्लाहिर्रहमान एक लिया तो एक पानी का डाले तो एन हम पकावे चम्मच में पैदे चलाई जावे।
तीन क घंटे कड़ी पके तो फिर मज़ेदार तो अच्छी पकती है। तो एक घंटा हो गया इन पकते हुए, एक तो डेढ़ घंटा होया, डेढ़ घंटा और पकावे ये तो पतली हैगी है, गाढ़ी कड़ांगे इनू तो इन हल्की आँच से ही दम वाली आँच से ही पकाने। उपर दे देने ढक्कन, पकने छोड़ दें हल्की आँच। हूँ रेडी कर लें पकौड़िया का समान, क्योंकि कड़ी कुछ देर तक रेडी हो जाएगी, जाके कड़ी भी वेखने। करी माशाला पक रही जे, बस गाढ़ी कड़नी सी, नॉर्मल आँच से पकावे। पकौड़िया का समान रेडी करने, तो मिक्सचर तैयार करके तो पकौड़े कड़ने। कड़ी पकती रहे तक पकौड़े हो गए, फिर कड़ी भी साड़ी रेडी हो। तो प्याज मैं स्लाइस कट लिते ने, तो हूँ मैं सारिया शैवान धो लवेंगे। तो कड़ी वेखने, कड़ी पक गई है कि नहीं। कड़ी पकड़ी है, नहीं तो पकौड़े निकलने हैं, फिर भी रेडी हो। बेसन शामिल करके तो नमक मिर्च मसाले शामिल कर देने। सारे मसाले भी मैं बिच सुट दते ने, काली मिर्च, नमक, सुखा धनिया, हल्दी, जीरा, तो उन्होंने मिक्स कर लें। रेडी हो गया पकौड़िया का समान भी, मिक्सचर। सब्ज़ मिर्चा रह गई, कटिंग करके दो तीन इंच शामिल कर देने। आँच ऑन करके तो घ्यो मैं शामिल करता कढ़ाई से, तो हूँ पकौड़े कटांगे। कि इधर वाले छोटे चूल्हे पर मैं कड़ी में रखता पकने वास्ते, ज़रा होर गाढ़ी हो जाए। पर रेडी हो गई है कड़ी भी साड़ी माशाल्लाह। सब्ज़ मिर्चा मैं कट लीतियाँ तीनों तो तेना, मिक्स कर लें अच्छी तरह। घ्यो हो गया गर्म, तो हूँ पकौड़े अपने शामिल करने। घ्यो च बिस्मिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। ए लुक देखो कितनी जबरदस्त है कड़ी दी, माशा माशाला अलहमदुल्ला। कड़ी पकौड़ा साढ़े रेसपी होगी जी रेडी, तो हूँ असी मंगवाइए तंदूर तो रोटी, दोपहर तो असी खावे कड़ी पकौड़ा तो तंदूर की रोटी, तो शाम को बनन गए हूँ चावल तो चावल। माशाला लुक चेक करो दी कि जबरदस्त बनी है कड़ी साड़ी। ए देखो दी फाइनल लुक माशा, तंदूर दी रोटियां है ते नाल कड़ी पकौड़ा, ते हुण ए दोपहर दे टाइम खान लगे सी खाना दोपहर दा।
15 ਕੁ ਮਿੰਟ ਚਾਵਲ ਭਿਗੋਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਤਨਾ ਭਿੱਜ ਜਾਣ ਤੇ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੈਡੀ ਕਰਾਂਗੀ। ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਚਾਵਲ ਵੀ ਸਾਡੇ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਰੈਡੀ, ਬੜੇ ਸੋਹਣੇ। ਇਹ ਦੇਖੋ ਕਲੀਆਂ ਜੈਸੇ ਖਿਲੇ ਖਿਲੇ। ਪਹਿਲੇ ਮੈਂ ਬੋਇਲ ਕਰਨੇ ਸੀ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਟੇਸਟ ਹੁੰਦਾ, ਜ਼ਾਇਕਾ ਹੁੰਦਾ, ਬੱਚੇ ਬੜੇ ਮਜ਼ੇ ਨਾਲ ਖਾਂਦੇ ਨੇ ਅਤੇ ਉਬਾਇਲ ਨਾਲ ਜ਼ਰਾ ਫੋਕੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਬਿਲਕੁਲ ਉਹ 'ਚ ਗੁਜ਼ਾਈਅਤ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਟੇਸਟੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੇ। ਚਲੋ ਡਿਸ਼ ਆਊਟ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਉਂਦੀ ਹਾਂ ਮੈਂ ਚਾਵਲ। ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਕੜੀ ਚਾਵਲ ਰੈਡੀ ਨੇ, ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਚਾਏ ਵੀ। ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਟਾਈਮ ਨਾਲ ਖਾਣਾ ਸਾਡਾ ਰੈਡੀ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਕੜੀ ਪਕੌੜਾ ਅਤੇ ਨਾਲ ਚਾਵਲ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਕਹਾਂਗੀ ਚਾਏ ਵੀ ਮੇਰੀ ਰੈਡੀ ਹੋ, ਮੈਂ ਪੀਆਂਗੀ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੋਈ ਠੰਡੀ ਹੋ ਜਾਏ। ਰੱਖਣਾ ਬਹੁਤ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਦੋਵਾਂ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਪਰੰਜੀ ਹੁੰਦੇ ਰਹਿਣਗੇ ਸਾਡੀਆਂ ਮੁਲਾਕਾਤਾਂ। ਚੈਨਲ 'ਤੇ ਨਵੇਂ ਤਾਂ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਬੈਲ ਆਈਕਨ ਦੀ ਘੰਟੀ ਪ੍ਰੈਸ ਕਰ ਦੇਣਾ ਤਾਂ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਸਾਡੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਰਹਿਣ ਮੁਲਾਕਾਤਾਂ। ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਵੀ ਕਰਿਆ ਕਰੋ ਅਤੇ ਦੋਸਤਾਂ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਵੀ ਕਰਿਆ ਕਰੋ। ਸੋਨਾ ਤੁਹਾਡੇ 'ਤੇ ਮੇਰੇ ਜਨਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਰਕਤਾਤਾ ਫਰਮਾਏ। ਆਮੀ ਸੁਮਾਮੀ ਅੱਲਾ ਹਾਫਿਜ਼ ਵੀਵਰਸ, ਤੇਰਾ ਬਰਕਾ।